वेलकम टू अवर स्टडी चैनल यूपी एग्जाम। मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे अपने स्टडी चैनल यूपी एग्जाम में। और हम हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में। आज यहाँ पर हम 40 एमसीक्यूज करवाएंगे आपके जीके जीएस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपका आर्मी का पेपर और एसएससी जीडी और जो भी आपके डिफेंस रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप सभी लोग कमेंट में आंसर को बताएं, साथ साथ में करते रहिए और वीडियो के एंड में आप टाइप करके बता सकते हैं कमेंट में कि आपके कितने सही हुए हैं। 35 आपको टारगेट है, आप 35 किसके आते हैं ये हमें देखना है। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको ये सारी पीडीएफ उपलब्ध रहेंगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कोलकाता, उधमपुर, लखनऊ, शिमला, क्या होगा करेक्ट आंसर? भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय, ये हमारा करेक्ट आंसर है उधमपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ, क्लास में भी आपको मैंने बताया हुआ है, तो आप बताइए फटाफट कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बोधगया, कुशीनगर, श्रावस्ती या सारनाथ, फटाफट बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर दो का आंसर क्या होगा? यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, कि नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ अवस्थित है। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर स्थित है, बताइए भाई फटाफट बताइए। ऑप्शन देखिए, खड़गवासला, सिकंदराबाद, देहरादून और दिल्ली। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ पर है, बताइए फटाफट बताइए। हमारा करेक्ट आंसर हमारा है दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, रावी, सतलज, झेलम या चेनाब, फटाफट बताइए भाई। 10 सेकंड का टाइम लीजिए ताकि 40 क्वेश्चन आपके रहे, वीडियो छोटा रहे, बहुत बड़ा वीडियो ना हो। और अगर आप लोगों को वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो लग रही हो तो आप अपने हिसाब से स्पीड को 1.25 पे भी चला सकते हो, ठीक है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, रावी, सतलज, झेलम, चेनाब। रावी, सतलज, झेलम, चेनाब, ऑप्शन ए, बी, सी, डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, झेलम। जितने लोग चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज को हम लाइव करवाएं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो फिर हम इसको लाइव स्टार्ट कर देंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर या सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हुआ करेक्ट आंसर बताइए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर या सारनाथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लुम्बिनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म की, ध्यान देना बौद्ध की नहीं है, जैन की पूछा, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी। वल्लभी, पाटलिपुत्र, पावापुरी या बोधगया, ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रांची का स्तूप किसने बनवाया था। रांची का स्तूप किसने बनवाया था, ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त, बताइए फटाफट। कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त, करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है, दामोदर, गोमती, हुगली या गंगा। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है, दामोदर, गोमती, हुगली या
गंगा। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ऑप्शन सी हुगली नदी के किनारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? आई थिंक ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। करेक्ट आंसर क्या है? झेलम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा, गोमती, हिंडन, कर्मनाशा। बहुत ही करेक्ट, सही, बहुत ही आसान सा सवाल है, सबने पढ़ा होगा। ये है गंगा नदी के किनारे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र, यानी पुष्यमित्र शुंग जो था उसको, या चंद्रगुप्त मौर्य को, या समुद्रगुप्त को, या कनिष्क को? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट, दयाराम साहनी, ए जी, यहाँ पे एम जी होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एम जी मजूमदार, या ध्रुवे? क्या होगा करेक्ट आंसर? आप सभी को पता होगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी इसके खोज करता है। आप लोग बताइए कब हुई थी इसकी खोज, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कब है। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में नव जागरण की शुरुआत, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? बताइए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा। इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, या जर्मनी? नव जागरण की शुरुआत होती है ऑप्शन ए, इटली से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? मुसोलिनी, कार्ल मार्क्स, हिटलर, या मार्टिन लूथर? बताइए फटाफट बताइए। धर्म सुधार की जो शुरुआत होती है ये होती है मार्टिन लूथर किंग के प्रयासों से। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये दो क्वेश्चन जो रिपीट हो गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हुगली, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसका नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका है? श्याम लाल गुप्ता पार्षद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या सावरकर? क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए भाई? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं? करो या मरो का नारा किसने दिया? बताइए भाई फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? सबका कमेंट में वेट रहेगा। जो भी लोग इसका आंसर देंगे उसका उसका नाम हम अगले वीडियो में यहाँ पर अनाउंस करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? विनायक सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या भगत सिंह? बहुत फेमस नारा है दिल्ली चलो, आज भी लोग यूज करते हैं दिल्ली चलो। किसने कहा था दिल्ली चलो? यह है हमारा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 20। बताइए, ऑप्शन ए है भगत सिंह, हसरत मोहानी, राम प्रसाद बिस्मिल, या मोहम्मद इकबाल? भगत सिंह, हसरत मोहानी, राम प्रसाद बिस्मिल, या मोहम्मद इकबाल? क्या होगा फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भगत सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओणम त्योहार
किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? फटाफट बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन सी, केरल में। केरल का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है ये, कमेंट बॉक्स में आप इसका नाम बताइए। केरल का प्रमुख नृत्य कौन सा है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? देखिए, अगर बात की जाए कि सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है तो वो हमारा कौन सा ऋग वेद है, और संगीत का मूल जो है वो कहा जाता है हमारा सामवेद को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? नागासाकी, हिरोशिमा, ए और बी दोनों, या होनशु? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ए और बी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन पे। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष में शामिल हुआ? वर्ष 1916, 1917, 1918, 1915। बताइए फटाफट बताइए, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? 1916, 17, 18 या 15? यह हुआ ऑप्शन डी, वर्ष 1915 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? प्रशा इटली युद्ध, या प्रशा फ्रांस युद्ध, जर्मनी इटली युद्ध, या जर्मनी फ्रांस युद्ध? बताइए भाई, ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है आपके हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपको का ऑप्शन बी, प्रशा और फ्रांस के युद्ध से यहाँ पर एकीकरण हुआ था जर्मनी का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से, सॉरी, सॉरी स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया? स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया। ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूस की क्रांति, या ये सभी। स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था फ्रांस की क्रांति में। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? 1929, 1929 से 30, 30 से 31, 31 से 32 या 32 से 33? क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 1929 से 1930 में महामंदी घटना हुई थी। निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? फटाफट फिर, सैयद वंश के शासक कौन थे? मुबारक शाह, खिजर खां, मोहम्मद शाह या ये सभी? क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? मुबारक शाह, खिजर खां, मोहम्मद शाह या ये सभी? करेक्ट आंसर हो जाएगा खिजर खां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? यह हमने क्वेश्चन आपको बताया था क्लास में भी, बताया था हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार, शशुनाग या धनानंद या उदयन? हर्यक वंश का शासक कौन था? बताइए भाई फटाफट बताइए। हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार। चलते हैं क्वेश्चन पे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? फटाफट बताइए, अजातशत्रु, अशोक, महापद्मनंद या उदयन? किसने की थी भाई पाटलिपुत्र की स्थापना? अजातशत्रु, अशोक, महापद्मनंद या उदयन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी? फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
उदयीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, अजातशत्रु, उदयन या धनानंद। सिकंदर का समकालीन कौन था बताइए भाई। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ये था धनानंद जो है ये सिकंदर का समकालीन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अकबर द्वारा या बलबन द्वारा? एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अकबर द्वारा या बलबन द्वारा? क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए। एकता प्रणाली जो है ये लागू की थी इल्तुतमिश ने लागू की थी पहली बार। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, बृहद्रथ या ब्रह्मगुप्त? क्या होगा करेक्ट आंसर? अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त, विष्णुगुप्त, बृहद्रथ या ब्रह्मगुप्त? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा उपगुप्त, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए? किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंद यवन शासकों ने, शक ने, कनिष्क ने या फिर हर्ष ने? बताइए भी फटाफट बताइए सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक कौन था? ये थे ऑप्शन ए हिंद और यवन शासकों ने जारी किए थे। पहले क्वेश्चन में चलते हैं कि कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? 72 ईस्वी में, 75 में, 78 में या 105 में? क्या आंसर बताइए भाई क्या होगा? 72, 75, 78 या फिर 105? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? है 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत शुरू किया था। अगले प्रश्न चलते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में, 825 में, 1025 या 1027 में? करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। करेक्ट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं? लोदी वंश का संस्थापक कौन था भाई बताइए, 10 सेकंड का टाइम है। इसकी स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मौर्य वंश के बाद किस शासक का वंश का उदय हुआ? मौर्य वंश के बाद किस वंश का, किस शासक वंश का उदय हुआ फटाफट बताइए। कण्व, शुंग, शकवंश या सातवाहन वंश? मौर्य वंश के बाद उदय होता है शुंग वंश का। कौन स्थापना करता है? पुष्यमित्र। शुंग जो होता है वो शुरू करता है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज या इसको नौरोज भी कहते हैं, नौरोज भी लिखा रहता है, किसने प्रारंभ किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक या मोहम्मद तुगलक ने? फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर है बलबन ने शुरू किया था। चलते हैं क्वेश्चन पर। इटली की राजधानी कहाँ है? पेरिस, ब्राजीलिया, एम्स्टर्डम या रोम? इटली की राजधानी कहाँ है बताइए भाई फटाफट। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? इटली की राजधानी कहाँ है? पेरिस, ब्राजीलिया, एम्स्टर्डम या रोम? करेक्ट आंसर हो जाएगा रोम। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।